हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आप देखिए नैन की फ्यूल, मैं आपका दोस्त लक्की। तो दोस्तों कैसे हो? आई होप ऑल आर गुड, सब बढ़िया, मजे में, एंजॉय, और ऐसे ही आप लोग इस्तेमाल करते रहा करो, अच्छा लगता है। दोस्तों इस वीडियो आपको बताऊँ 10,000 के अंदर में बेस्ट वायरलेस स्पीकर के बारे में, जिसे आप 10,000 के अंदर में खरीद सकते हो। और ये पूरी तरह से पोर्टेबल वायरलेस है, पोर्टेबल वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है, जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हो इजीली कैरी करके। और दोस्तों ये लिस्ट बनाई है मैंने, इसे 7 स्पीकर है, और दोस्तों ये सबसे बेस्ट है जो कि 2021 में आप खरीद सकते हो, इसका कोई मुकाबला नहीं है। वैसे दोस्तों प्राइस में थोड़े हाई हो सकते हैं ये, लेकिन दोस्तों पोर्टेबल स्पीकर सबसे बेस्ट स्पीकर माने जाते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। और दोस्तों आप अगर चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि फ्यूचर में जब टेक्स्ट वीडियो को वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप हमसे अपडेट रहे। दोस्त ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते सीधा वीडियो की तरफ। देखते हो कौन कौन से बढ़िया वायरलेस स्पीकर हमारे बीच जो कि 10,000 के अंदर में आते हैं। दोस्तों इसलिए सबसे पहला वो हमारा JBL की तरफ से ना, JBL चार्ज 2। ये भी दोस्तों बहुत सारे लोगों का फेवरेट था, और बहुत सारे लोगों का फेवरेट है, और बहुत सारे लोग यूज भी कर रहे होंगे इसको। दोस्तों वैसे JBL चार्ज 2 प्लस बहुत ही मीठा और ब्राइट साउंड देता है, और यह प्राइस मिलने वाले अन्य स्पीकर से बेस्ट है। यह स्पीकर फोन के साथ उपलब्ध है, इसमें आप अन्य डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं, और यह वाटर रेजिस्टेंट है, और इसे 11 घंटे तक लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों वैसे इसकी स्पीकर की बात करूं तो ये आपको एक तरह से मिनी पावर बैंक भी है। ये ऐसा ब्लूटूथ स्पीकर है जिससे आप अपने फोन को भी चार्ज कर सकते हो, और दोस्तों करीब 11 घंटे तक लगातार ये बज सकता है, और साउंड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। और कुल मिला के दोस्तों एक चीज और भी है इसकी, ये एक वाटरप्रूफ साउंड बॉक्स है, जो कि आपको इजीली स्प्लैश प्रूफ है। अगर बरसात के मौसम में कहीं लेके निकल गए बाहर और थोड़ी बहुत पानी भी चली गई इसके ऊपर, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसके वूफर से। ये बहुत ही बेस्ट है इस लिस्ट में। और दोस्तों जहां तक इसकी प्राइस की बात की, ये आपको तकरीबन 6,900 रुपए तक में मिल जाएगा। और दोस्तों ये सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से एक बार चेक जरूर कर लेना, इनमें से कोई सा भी लेना हो या नहीं लेना, बट लिंक पे जाकर चेक जरूर कर लेना। अब बढ़ते दोस्तों दूसरे की तरफ, ये हमारा JBL की तरफ से ना, ये भी JBL का बहुत बढ़िया वायरलेस स्पीकर है, ये JBL Flip 3, जो कि बहुत ही बढ़िया है, और लुक वाइज भी बहुत अच्छा है JBL का ये वाला स्पीकर। दोस्तों JBL Flip 3 JBL द्वारा ही बजट पोर्टेबल स्पीकर सेगमेंट में बहुत ही अच्छा स्पीकर है, और ये बहुत ही लाउड है, काफी मात्रा में पावर डिलीवर करता है, और ये स्पीकर फोन को सपोर्ट करता है, जिससे आप JBL Connect ऐप द्वारा और भी अन्य स्पीकर फोन को पेयर कर सकते हो। और इसकी कीमत की बात करो तो ये आपको ओनली 5,000 रुपए में मिल जाएगा, तो ये भी बहुत बढ़िया है। और दोस्तों इसके बहुत सारे अन्य क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आप इसको एक साथ कई फोनों में कनेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे फोन को एक साथ, और बहुत सारे अलग अलग स्पीकर्स को एक साथ पेयर कर सकते हो JBL ऐप के थ्रू। दोस्तों वैसे इसका भी लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और दोस्तों इसके बारे में ज्यादा जानना हो तो वहां से चेक जरूर कर लेना। वैसे दोस्तों जितनी लंबी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा वीडियो उतनी लंबी हो जाएगी, उतनी लंबी वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करोगे। अब दोस्तों बढ़ते अगले की तरफ, अगला हमारा सोनी की तरफ से ना, सोनी SRS X11। ये भी दोस्तों सोनी की तरफ से बहुत छोटा सा क्यूब टाइप का वायरलेस स्पीकर है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का लगता है, और देखने में दोस्तों बहुत ही क्यूट लगता है ये वाला। दोस्तों छोटा सा क्यूब अपने प्राइस के अनुसार बहुत ही लाउड साउंड डिलीवर करता है, और यह काफी समय से काफी साफ और सुंदर स्पीकर है, इस सेगमेंट में सस्ते विकल्प में से एक है, जो कि 5,000 रुपए में मिल जाएगा आपको। और दोस्तों ये दिखने में बहुत छोटा है, और यहाँ पर भी दोस्तों ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, ये भी पूरी तरह से स्प्लैश प्रूफ है, जैसे कि आप पानी वगैरह हल्का फल्का चला जाएगा इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं करेगा। दोस्तों इस लिस्ट में ये भी बहुत अच्छा है, और इस रेंज में ये भी बहुत अच्छा किफायती स्पीकर है, इसको भी एक बार देख सकते हो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब दोस्तों बढ़ते अगले की तरफ, ये हमारा JBL की तरफ से ना JBL Flip 2। ये भी दोस्तों JBL की तरफ से ना बहुत ही बढ़िया और किफायती वायरलेस स्पीकर था हमारे बीच। दोस्तों JBL Flip 2 में अपनी कीमत के हिसाब से काफी अच्छी सर्विस देती है, बहुत ही ज्यादा खुशी देने वाली बात तो नहीं है, लेकिन ये आपकी उम्मीद से काफी बेहतर है। और दोस्तों JBL Flip 2 में इसमें भी आपको कम से कम 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, और लुक वाइज भी बहुत अच्छा है, और इसमें दोस्तों ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, मेमोरी कार्ड से भी गाना बजा सकते हैं इसमें, और आपके फोन से कनेक्ट होकर बहुत अच्छी साउंड ऑडियो देगा इसमें। दोस्तों बेस बहुत ज्यादा है, तो इसकी जो बेस है वो बहुत बढ़िया लगी मेरे को। और दोस्तों आप लोगों में से किसी ने ऐसा कोई स्पीकर यूज किया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों आपको उसकी साउंड कैसी लगती है। अब दोस्तों बढ़ते अगले की तरफ, अगला हमारा बॉस की तरफ से वाला बॉस साउंडली कलर। ये भी दोस्तों बॉस की तरफ से ना बहुत बढ़िया। और दोस्तों आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि बॉस के जो वायरलेस स्पीकर वगैरह होते हैं या हैंडफ्री वगैरह होती है वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की होती है इंडिया के अंदर। दोस्तों बॉस साउंडली कलर स्पीकर बॉस का पहला सस्ता स्पीकर है, जो कि बहुत ही डिसेंट साउंड डिलीवर करता है, और यह भारत में अपने पेप्सी कलर्स और मूल्य के कारण युवा खरीदारों के लिए बहुत पसंद बना हुआ है। इसकी कीमत की बात करो दोस्तों ये आपको 8,400 रुपए में मिल जाएगा, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रीमियम वायरलेस स्पीकर है, जो आप घर में रख करके इजीली चला सकते हो। इसमें दोस्तों बहुत अच्छी वारंटी भी मिल जाती है आपको, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार इसको भी चेक जरूर कर लेना। यहाँ पे भी दोस्तों बहुत अच्छा अच्छा स्पेसिफिकेशन है, और लुक वाइज ये बहुत अच्छी है। अब दोस्तों बढ़ते अगले की तरफ, ये हमारा जाबरा की तरफ से, ये हमारा जाबरा साउलमेट वायरलेस स्पीकर। ये भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया वायरलेस स्पीकर है, जो कि जाबरा कंपनी की तरफ से आने वाला है, और इसके दोस्तों कंपनी की ऐसी वायरलेस स्पीकर होती है कि बहुत जल्दी खराब नहीं होती है, बहुत लंबे टाइम तक चलती है। दोस्तों मेरे पास इस कंपनी का एक वायरलेस स्पीकर था, जो कि मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया, वो तकरीबन 7 साल से मेरे पास था, जो कि बहुत अच्छी साउंड पुट ऑन करता है आज भी। दोस्तों जाबरा साउलमेट बहुत ही लाउड और डिसेंट ऑडियो का अपना पूरा पैकेज बहुत ही
की सफाई से प्रेजेंट करता है। आप इसके कनेक्टिंग के लिए केबल को स्पीकर के बैक पर लगा सकते हैं। इसके बैग्स आपको इसे मिट्टी वाले इलाके में इस्तेमाल करने समय और रनिंग शू सोल डिजाइन इसे कन्वेंशनल स्पीकर से अलग बनाता है और इसका ऑडियो बेस भी साइज के हिसाब से काफी बहुत बेहतर है। दोस्तों वैसे जितना ये लगता है देखने में उससे कई ज्यादा बेहतर इसकी स्पेसिफिकेशन है। तो इसमें भी ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, ये आईफोन से भी कनेक्ट हो जाता है और भी दोस्तों बहुत सारे डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी दोस्तों बहुत अच्छा है और जो छोटा दिखने में लग रहा है दोस्तों उससे कई ज्यादा बढ़िया साउंड पुट ऑन करता है आप लोगों के। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा स्पीकर है, इसको भी एक बार ट्राई जरूर करना। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले की तरफ। ये हमारा क्रिएटिव ब्लास्टर साउंड रोर, ये भी दोस्तों बहुत बढ़िया वायरलेस स्पीकर था और प्रीमियम कैटेगरी में भी आता है अपने दमदार परफॉर्मेंस की वजह से। दोस्तों क्रिएटिव साउंड ब्लास्टर रोर अब तक का सबसे पसंदीदा स्पीकर रहा है, साथ ही इसे कीमत गिरने की वजह से ये कीमत में लाउड और पावरफुल ऑडियो तथा अच्छे फीचर वाले स्पीकर बन चुका है। आप अन्य डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं, फोन की बात करें तो FM भी सुन सकते हैं और बहुत ही इंप्रेसिव स्पीकर है। वैसे दोस्तों इसके अंदर बहुत अच्छी खासी बैटरी लगी है जो कि आपको 10 से 12 घंटे की बैटरी बैकअप दे देगी लगातार बजने के बाद। और दोस्तों इसके अंदर एक खासियत ये भी है कि आप इसको कैरी करते हो तो इसमें एक मिनी पावर बैंक का भी काम करेगा, आप उससे अपना फोन भी चार्ज कर सकते हो। तो ये भी दोस्तों बहुत अच्छी खासियत है। और दोस्तों इसके अंदर FM वगैरह भी कभी सपोर्ट है तो FM भी सुन सकते हो और आपको बहुत सारे MP3 के अलग अलग प्लेट्स अलग अलग मोड मिल जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा स्पीकर है, इसको भी एक बार ट्राई जरूर कर लेना, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी नजर में बेस्ट वायरलेस स्पीकर जो कि आप 2021 में खरीद सकते हो 10,000 के अंदर में। और दोस्तों मैंने सारे स्पीकर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहां से एक बार देख लेना। और दोस्तों इनमें से कोई सा भी स्पीकर आपने अगर यूज किया है तो आपको क्या लगता है उसके बारे में, आप कुछ अपनी राय देना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना ताकि उसको मैं अपनी स्टोरी पे लगा सकूं। और दोस्तों आप अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके मैं सपोर्ट करें ताकि फ्यूचर में जब टेक रिलेटेड को वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे हम सब रीड रहे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, इसी का समय दिए इजाजत, मिलते हैं इस तक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।